नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। कोरोना बंदी के बीच पटना जू से एक अच्छी खबर आई है। पटना जू में गैंडे के परिवार में एक नए मेहमान का आगमन हुआ है और इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मादा गौरी गैंडे ने शुक्रवार को एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने यह बताया कि पटना जू को राइनो ब्रीडिंग विश्व भर में मशहूर है। पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने यह बताया कि पटना जू का राइनो ब्रीडिंग विश्व भर में मशहूर है और पटना जू में राइनो ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है। आने वाले समय में जू में गैंडों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन के बीच में एक सुखद समाचार। पटना जू में 8 मई को अपराह्न करीब 4:30 बजे गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। गौरी हमारी एक फीमेल गेंडा है। पटना जू में कुल मिलाकर 5 फीमेल गेंडे हैं और 6 मेल गेंडे हैं। गौरी को जो बच्चा हुआ है वो फीमेल काफ है, बिटिया है। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। गेंडे के बच्चे का जन्म के समय वजन लगभग 40 से 50 किलो के करीब होता है और ये आधे घंटे के अंदर अपने ये पैरों पर उठकर खड़ा हो जाता है और फिर माँ का दूध पीने लगता है। गेंडे का बच्चा काफ़ी दिनों तक माँ के साथ रहता है, माँ का दूध पीता है। 1.5-2 वर्षों तक ये माँ का दूध पीते रहता है। पटना जू में राइनो का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और इनफैक्ट ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो सैन डिएगो जू जो अमेरिका में है उसके बाद भारत में पटना जू का जो राइनो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वही अच्छा माना जाता है। और पटना जू में एक अलग से राइनो ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है जहां अभी एक पेयर गणेश और लाली को रखा गया है। हमें उम्मीद है कि गेंडे का प्रजनन पटना जू में इसी तरह से अच्छी तरह से चलता रहेगा। अगले महीने रानी नाम की जो एक फीमेल गेंडा है उसे भी बच्चा होने की संभावना है। आइए हम सभी कामना करें कि माँ बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। धन्यवाद।